खुली आँखों से देखा था सपना यहाँ तक आने का, जो मुझ पे हंसते थे उन्हें उनकी औकात बताने का। खुली आँखों से देखा था एक सपना यहाँ तक आने का, जो मुझ पे हंसते थे उन्हें उनकी औकात बताने का। तुम्हारे ताने सुनकर ही आज इस काबिल बना हूँ। तुम्हारे ताने सुनकर ही आज इस काबिल बना हूँ। आकर देख लो आज तुम कहाँ हो और मैं कहाँ खड़ा हूँ। तुम कहाँ हो और मैं कहाँ खड़ा हूँ। एक शेर है मेरा, किससे किसकी शिकायत करता यारो, किससे किसकी शिकायत करता यारो, मेरे सारे गुनहगार मेरे अपने ही थे। मेरे सारे गुनहगार मेरे अपने ही थे। एक है मेरा, छोटा सा राइटअप है, सुनिएगा। कुछ ना कहो चुपी रहो, दिल के हालात आँखों से बयां करो। दर्द गम गुस्सा हमें तो आपकी आँखों से पता चल जाता है। कुछ ना कहो चुपी रहो, हमें तो आपकी आँखों को पढ़ना आता है। जिस दिन आप उदास होते हो उस दिन आप ज़्यादा मुस्कुराते हो। किसी और को पता हो या ना पता हो परेशान, लेकिन हमें तो पता है कि इससे आप अपनी उदासी छुपाते हो कि जो पत्ते अपनी जड़ों से टूट जाया करते हैं परेशान, वो पत्ते अक्सर सूख जाया करते हैं परेशान। सुनी सुनाई बातें अक्सर रिश्तों को ख़राब कर दिया करती हैं परेशान। मुनासिब होगा कि अब सामने आकर बातें की जाएं। एक है ये मेरा, छोटा सा राइटर पे, सुनिएगा आप। इसका टाइटल है अजनबी। तुम तो मुझे अच्छी तरीके से जानती थी ना, फिर ये सवाल क्यों, चाय या कॉफ़ी। तुम्हें तो पता ही था कि चाय मेरी सबसे पसंदीदा रही है हमेशा से। तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात भी चाय की टपरी पे ही हुई थी। मुझे हमेशा से याद रहेगा कि कैसे तुम अपने कॉफ़ी कैफे डे वाली महंगी कॉफ़ी छोड़कर मेरे साथ सड़क किनारे की चाय की टपरी पर खड़े होकर अदरक वाली चाय पीकर खुश हो जाया करती थी। लेकिन आज तुम्हारे इस सवाल ने हम दोनों को एक पल में ही अजनबी कर दिया। सवाल क्या था, चाय या कॉफ़ी।